अच्छा हुआ हम वेकेशन पर आ गए। Yes, my love, मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम और दो दिन रुक जाएं। हमें वापस जाना होगा, बहुत काम पड़ा है। प्लीज वोल्कन, दो दिन की ही तो बात है, प्लीज हाँ कह दो। मैं तुम्हें कभी ना कह सकता हूँ क्या? ठीक है, हम जरूर रुकेंगे। इसलिए तो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ वोल्कन, I love you too. हेलो गोंजा, आसले कैसी हो तुम? गेस करो मैं कहाँ हूँ। बुराक, तुम कहाँ चले गए थे यार? ये भी कोई तरीका होता है? पूछो मत यार, दिन भर तुम्हारे लिए चक्कर चलाने में बिजी था। बाय द वे, वो लड़की मान गई है? कौन सी लड़की? चागला यहाँ आ रही है। पता है उसका कॉल आया था। उसने तुम्हें कॉल किया? हाँ, तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा था इसलिए मुझे कर दिया। क्या कहा उसने? मैंने कहा तुम्हारा फोन बंद है और छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। मुझे पता है उसने वो न्यूज़ देख ली है और इसीलिए वो आ रही है। हाँ, पगला गई है वो, लड़की से मिलना चाहती है। कौन सी लड़की? तुम्हारी गर्लफ्रेंड, और कौन? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो भाई? मैंने चागला से कहा कि मेरे साथ जो लड़की थी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अब वो उससे मिलना चाहती है इसलिए वो यहाँ आ रही है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मिलने। कौन सी गर्लफ्रेंड यार, मैंने कितनी बार कहा है मुझे तुम्हारे लफड़ों में मत खींचा करो, क्यों नहीं समझते? प्लीज इस बार बचा लो भाई। बिल्कुल नहीं। अरे पर क्यों, तुम्हें सिर्फ पार्टी में उस लड़की के साथ आना है? झूठ बोलते वक्त मुझसे पूछा था? अरे मेरे भाई, मुझे क्या पता था चागला यहाँ तक आ जाएगी? पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, और वैसे भी वो लड़की मान गई है। देखो, मुझसे ये प्यार व्यार का नाटक बिल्कुल नहीं होता, और अनजान लड़की के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो मिलो ना, मिलोगे तो आई एम श्योर तुम्हें पसंद आएगी, बहुत स्मार्ट और कॉन्फिडेंट है। आज सुबह तो तुम कुछ और ही कह रहे थे। ओके, यू आर राइट, वो सरदर्द है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरी मॉम मुझसे बहुत नाराज है यार, और अगर चागला उस लड़की से नहीं मिली ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, समझो यार, मान जाओ ना यार, प्लीज। बस ये आखिरी बारी करूंगा मैं। मतलब तुम तैयार हो? तैयार हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम यहाँ पर हो, पर आखिर ये सब हुआ कैसे? अब मैं क्या बताऊं? क्या तुम यहाँ पर रहने वाली हो? हम दोनों रहेंगे। कितनी अच्छी बात है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत अमीर है और हैंडसम भी है, तुम दोनों कहाँ मिले ये बताओ। यार कितनी लकी हो तुम, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? देखो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे यकीन है बुराक का भाई भी उसी की तरह होगा, वो भी बिगड़ेल अमीर ज्यादा होगा। हाँ ठीक है, अब अंदाजा लगाना बंद करो और रेडी हो जाओ। अच्छा ये बताओ तुम्हारा सामान कहाँ पर है? कितना अच्छा है। हेलो मिस असला, मैं होटल का स्टाइलिस्ट हूँ, मुझे मिस्टर बुराक ने आपकी स्टाइलिंग के लिए भेजा है। सिनान, मैंने कहा था ना तुम मत आना, मैं पहले सल्ला के यहाँ जाने वाली थी और फिर तुम्हारे पास आने वाली थी। तो फिर हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि एक दूसरे को अभी मिले, ठीक है? ठीक है सिनान। सिनान, मैं नहीं चाहती हमारे बारे में किसी को पता चले, खास करके हमारे करीबी लोगों को, अभी नहीं, इसलिए सल्ला के यहाँ मुझसे दूर रहना। पता नहीं हम क्यों हमारा रिश्ता छुपा रहे हैं, हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे कह रहे जैसे उगते को जानते ही नहीं। तुम दोनों को अलग होकर 2 साल हो चुके। लेकिन डिवोर्स को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। तुम नहीं जानते हम अलग हुए हैं, ये वो आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। वो मुझ पर और चारला पर गुस्सा है। बात इतनी ही नहीं है,
उसका बिजनेस पर ध्यान नहीं है, मेरी कंपनी में उसका छोटा सा शेयर है, उसके बदले में वो कभी भी मुझसे पैसे मांग सकता है, ढेर सारे पैसे। ओके डार्लिंग, प्लीज ये सब सोचकर अपना मूड मत खराब करो, तुम सही हो, मैं समझ गया। मैं तो बस तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ, मेरा यकीन करो, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो प्लीज। तुम्हारी वजह से लग रहा है कि फिर से स्कूल डेज में पहुंच गया। स्कूल में? हाँ, तो बचपन से तुम फ्लर्टिंग में माहिर हो। हाँ। खूबसूरत है। एक सेल्फी ले ले। वेलकम मैम। थैंक यू। क्या आप ट्राई करना चाहेंगी? जरूर, ये लीजिए और आपके लिए। थैंक यू। हेलो भैया, हम होटल पहुंच गए हैं। ओके, हम लॉबी में हैं, आपका वेट कर रहे हैं। भैया बस आ ही रहे हैं। ओके। वेट ही करना है तो कुछ पीने चले? हाँ हाँ चलो। तुम्हारा होटल बहुत बढ़िया है, व्यू भी खूबसूरत है। हाँ, व्यू तो वाकई बहुत खूबसूरत है। आई लव इट। चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। एक्सक्यूज मी। वेलकम मैम, मैं एक लेमनेड लूंगी। मेरे लिए मिनरल वाटर प्लीज। थैंक यू। मुझे यहाँ लाने के लिए थैंक यू सो मच। इसमें मेरा भी फायदा था, तुम्हारे साथ सफर में बहुत मजा आया। मुझे भी मजा आया। Thank you so much. Hey, welcome. Thank you. So guys, तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? बहुत मजा आया। I hope तुमने बरिस को ज्यादा फकाया नहीं है। Okay, मजाक कर रहा हूँ, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं। बुरक भैया, लगता नहीं है कि आप यहाँ काम करने आए हैं, आप तो टूरिस्ट लग रहे हैं। और आज रात तो पार्टी भी है ना? नहीं, हम पूरा दिन काम करते हैं, मैं भी बिजी हूँ यार। हाँ बेचारा बुराक सच में बहुत ज्यादा बिजी था। आज की पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स भी सुई ने की है, क्योंकि चाला आने वाली ना, तो कर भी क्या सकता है, बेचारा सब कुछ खुद ही ऑर्गेनाइज कर रहा है। चाला आने वाली है क्या? वो बस यहाँ पहुँचती होगी। वैसे हमारे पास एक खुशखबरी है, पार्टी में किसी को देखकर चौंकना मत। क्या खबर है बताओ मुझे। तुम्हारा भाई प्यार में पड़ा हुआ है। कहीं वो डेनिस तो नहीं है? माफ करना, एक्चुअली मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। तो चलो बताओ, तुम इस लड़की से कहाँ मिले? हाल ही में मिला हूँ मैं तुम्हें उससे आज रात को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ मेरे दोस्त। थैंक्स। उसके बारे में और बताओ ना, कैसी है वो, मुझे उसका फोटो दिखाओ ना। तुम खुद ही उससे मिल लेना। तो अब चलना चाहिए? हाँ चलते हैं, वैसे भी मुझे पार्टी के लिए तैयार होना है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे मेरी बहन से झूठ बोलना पड़ा। छोड़ो ना, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलवाता हूँ। उसका कॉल नहीं लग रहा, कहाँ गया बुराक, आखिर है कहाँ ये? तुम्हें क्या लगता है, आज होटल में पार्टी है, उसी में बिजी होगा। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? मुझे भी खबरें मिलती रहती हैं। तुम्हें लगता है मैं उतना बेवकूफ हूँ, पर मैं हूँ नहीं। किसने कहा तुम बेवकूफ हो? अच्छा सुनो ना, आज एलचिन यहाँ आ रही है। गुड, वैसे खुशबू तो अच्छी आ रही है, लगता है एमएल ने बढ़िया खाना बनाया।
लेकिन मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है, क्या करूं? और वो क्यों? अनियत, मेरा वेट बढ़ गया है, डाइट कंट्रोल करना होगा। क्या कहा, डाइट? लेकिन तुम्हें डाइट की कोई जरूरत नहीं है डार्लिंग, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, प्लीज डाइट मत करना तुम। मुझे मस्का मारने की कोशिश मत करना निहात, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से आईने में आज सच देख लिया है। एक ड्रेस फिट नहीं हो रहा था मुझे, अब ओपनिंग के लिए मेरे पास कोई ड्रेस है ही नहीं, पता नहीं मेरा वजन बढ़ कैसे गया। हाँ, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। एमएल सुनो, एमएल। बोलिए मैम। देखो एमएल, आज के बाद तुम मेरे लिए सिर्फ डाइट फूड ही तैयार करोगी, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, मैं पहले जहाँ काम करती थी ना, वहाँ के मालिक को हेल्थ इश्यूज थे, तो वहाँ मैं उनके लिए डाइट का खाना बनाती थी। ओह वाओ, ये तो अच्छी खबर है। तो आज से हाई कैलोरी फूड खाना बंद, ओके? लेकिन डाइटिंग तो तुम कर रही हो, तो मेरा पसंदीदा खाना आखिर मैं क्यों छोड़ दूँ? तुम नहीं खा सकते, मेरे सामने डिजर्ट खाओगे, आज से हम शुगर इंटेक बंद करेंगे, कोई डिजर्ट बनेगा ही नहीं यहाँ। ओह रियली, मतलब आज से मेरी पेस्ट्री बंद? हाँ। चलो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। यकीन नहीं होता मैं ये सब कर रहा हूँ। कम ऑन भाई, एक ही रात की बात है यार, इतना भाव मत खाओ। तुम रेडी हो? चलो मैं एक इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। वोल्कान असले, हम दोनों पहले मिल चुके हैं ना? कैसी हो असले? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम लोग मिल चुके हो क्या? हाँ, असले एक बेकरी में काम करती है जहां मैं अक्सर जाता ही रहता हूँ। क्या बात है, फिर तो अच्छी बात है, काम आसान हो गया। हाँ वो तो है। चलो पार्टी करते हैं अब। हाँ चलो। रुको मैं अपना बैग ले आती हूँ। ओह माय गॉड, तुम बिलीव नहीं करोगी। जल्दी बताओ क्या हुआ, उसका भाई हैंडसम है क्या? बोलो ना, मैं उसे देख नहीं पाई, जल्दी बताओ। बहुत हैंडसम है, पराग का कजन वोल्कान है, मेरा वाला वोल्कान। कैन यू बिलीव इट? क्या तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे देख। वो हमें सुन लेंगे। असले, किस्मत साथ दे रही है, तुम उसे सच में डेट कर रही हो? शायद आज रात के लिए सिर्फ नाटक ही कर रही हूँ। बकवास मत करो, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा मौका है, मुझे गुस्सा मत दिला। ठीक है, अब वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, एकदम को ही बोलना, ठीक से रहना, उसे नाराज मत करना, ठीक है? मुझे मैसेज करके बताना। ठीक है। वेट करवाने के लिए I'm so sorry। कोई बात नहीं। हाँ जी बोलिए मैनेजर। वोल्कान सर, पराग जी किसी क्लाइंट की कार उठा कर ले गए थे, वो क्लाइंट अभी यहाँ पर है और काफी नाराज है, क्या आप आकर उनसे बात करना चाहेंगे? ठीक है मैं अभी आता हूँ। कार का मालिक मैनेजर के साथ में है, क्या बोलना है अब उसे? टेंशन मत लो भाई, जो भी होगा पैसे दे देंगे ना। क्या मतलब है तेरा, वो तो हमें वैसे भी देने पड़ेंगे ना, तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? अरे यार मैं बात भी किससे कर रहा हूँ जो इंसान मेरी कभी सुनता ही नहीं है। ठीक है भाई, अब बस करोगे? चलो छोड़ो, तुमसे पार्टी में मिलता हूँ, तुम दोनों जाओ। ठीक है, जल्दी आना।
सब तुम्हारी गलती है। तुम गाड़ी नहीं ठोकती और मुझसे बहस करोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। हाँ धमकी? ऐसे तो एक दिन ब्लैकमेल भी करोगी तुम मुझे। मैं वापस जा सकती हूँ। संभल कर, इसीलिए कम बोला करो और चलने पे ध्यान दो। मुझे इनकी बिल्कुल आदत नहीं है, समझे? बस आज रात की ही बात है यार। जानती हूँ, और इसी बात की खुशी है मुझे। दो मिनट चुप रहकर दिखाओ, चैलेंज करता हूँ। सॉरी, मुझे ज्यादा देर तो नहीं हो गई? क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, वो मैं, तुम एक्चुअली बहुत अच्छी लग रही हो। सच कह रहे हो क्या? थैंक यू वेरी मच। अब चले? हाँ बिल्कुल, चलो। वाओ, तुम कितने स्वीट हो, तुम मुझे पसंद आए। क्या कह रहे, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, कैसे? क्या बकवास है ये? देखिए प्लीज सर, आप आराम से बात कीजिए। होटल से गाड़ी कोई कैसे ले जा सकता है, ये कोई मजाक है? देखिए सर, आप चिंता मत कीजिए, आपकी कार हम ठीक करवा देंगे। और तो और, जब तक आपकी कार ठीक नहीं हो जाती तब तक आप और आपकी फैमिली इस होटल में बिल्कुल फ्री में रह सकते हैं। आप हमारे मेहमान हैं, हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दीजिए। चलिए ठीक है। तो ठीक है फिर, हाथ मिलाते हैं। ओके चलता। Have a good day, sir. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बुराक के साथ रह रहकर उसकी संगत में ये सब तो करना सीख ही गया हूं मैं। तो ठीक है, अगर और कुछ ना हो तो मैं चलूं फिर। बिल्कुल सर, कैरी ऑन। थैंक यू। सर आप कुछ लेंगे? नो थैंक यू, पहले सबको आ जाने दो उसके बाद। और आप पानी ले आओ प्लीज। ओके मैम, ठीक है। आई एग्री, तुम्हें पानी ही पीना चाहिए। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, समझे? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? तुम्हारी काफी परवाह है मुझे, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ बस। ओ हाँ, बिल्कुल है तुम्हें। प्लीज गॉड, मुझे इस इंसान से जल्दी छुटकारा दिलाओ। हाँ, और मुझे तुमसे। होटल रूम में हूँ। ओह, फिर क्या क्या हुआ मुझे नहीं बताओगे क्या? मुझे तो बहुत मजा आया, मेरा तो मन कर रहा था कि वो दिन खत्म ही ना हो। एक बार तुम यहाँ आ जाओ तो मैं तुम्हें हर एक बात डिटेल में बताऊंगी, ठीक है? हर बात, हर चीज, सब कुछ। तुम पागल हो। अच्छा देखो, तुम्हारा भाई वहीं पर है, किसी को कुछ बोल मत देना। किसी को नहीं बोलूंगी, कोई मेरी बात समझेगा ही नहीं। आर यू सीरियस? तुम तो उसे बस देखती ही रही, बिना पल के झपकाए नजरें नहीं हट रही थी। ऐसा कभी होता है क्या? क्या करूं यार, वो बहुत ही क्यूट है। तुझे बिलीव नहीं होगा, वो बगल वाले कमरे में ही रह रहा है। हम ऑलरेडी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड, उसे देखा तुमने? अरे नहीं यार, मैं उसे पार्टी में ही मिलूंगी, मुझे भी मिलना है उससे। आई विश वो चार्ला जैसी अनोइंग ना हो। ओके, मुझे अब जाना होगा।
शायद बरस आ गया है। I'm so excited. आज तो बहुत मजा आने वाला है। ओके बाय बाय। ओह तुम आए हो। किसका इंतजार था? किसी का भी नहीं। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था, चलना नहीं है? हाँ हाँ ठीक है चलो। खुशी हुई आपको देखकर। शुक्रिया। कैसे हैं आप? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो उसे, छोड़ो। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जल्दी निकलो। वो लड़का। कौन सा लड़का? वही जिससे हम उस रात पब में लड़े थे, वही लड़का। क्या, कहाँ है? ये तो वो बार वाला बंदा है ना? ओ गॉड, उसने हमें देख लिया और वो यहीं आ रहा है, अब क्या करें? चलो जल्दी यहाँ से, अगर डैड ने देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। जल्दी जल्दी जल्दी। साला। पुलिस को फोन कर रहे हो क्या? नहीं, मुझे न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनने का कोई शौक नहीं है। अगर तुम नहीं करोगे तो हेडलाइन जरूर होगी। तुमने उसे देखा नहीं? वो हम दोनों को मार डालेगा। फोन उठाओ वोल्कान। बस तुम तो उठा लो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, हमारे पास टाइम नहीं है, वो हमारे पीछे ही है। यार पुलिस को फोन नहीं कर सकते, मेरे डैड को पता चल जाएगा। फोन दो मुझे तुम। ये क्या किया तुमने? जीनियस, तुम्हारा तो जवाब नहीं है। सॉरी, गलती से हो गया। बुराक का कॉल था, मेरे पास भी आया, कॉल बैक करता हूं। उठा नहीं रहा। आपकी गर्लफ्रेंड अभी तक आई क्यों नहीं है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। पता नहीं, लगता है मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। डांस करना चाहोगे? ओके। वेलकम मैम।
पर पूरे साल काम करते हो? सर्दियों में अकेले बोर नहीं हो जाते? नहीं, मुझे तो यहाँ सर्दियों में भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तुम्हारी राशि क्या है? वेट, तुम मत बताना, मैं गेस करती हूँ। हॉरोस्कोप में इंटरेस्ट है तुम्हें? हाँ। आई थिंक तुम कैंसर हो। हाँ, मैंने सही कहा? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हें तो सच में सब पता है। तुम्हारा हॉरोस्कोप क्या है? जेमिनी। तो क्या कैंसर और जेमिनी दोस्त बन सकते हैं? दोस्त बन सकते हैं मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? हॉरोस्कोप देखकर आपको पता लग जाता होगा ना कि इससे दोस्ती होगी या नहीं। देखते हैं यहाँ बात बनती है या नहीं। बोरक, ये कहाँ रह गया? चाला? मैं तुम्हें ही कॉल कर रही थी। हेलो, कैसी हो? सिर्फ हेलो से काम नहीं चलेगा। बोरक कहाँ है? एक्चुअली मैं भी कब से उसे ही ढूंढ रहा था। आसपास ही कहीं होगा। उसे पता है मैं इधर हूँ। अब मैं तुम्हारे रूम का की कार्ड ले आता हूँ, उसके बाद उसे भी ले आऊंगा। ओके। ओह, चार्ला को कॉल करना है। ओके। हाँ बोलो मॉम। चार्ला कहाँ हो तुम बेटा? होटल में। तुम्हारा सफर ठीक था? ठीक। उससे मुलाकात हुई? नहीं, वो फिर यहाँ नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एनीवे, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बस सेल्डा से मिलने जा रही हूँ। ओके मॉम, अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है, अब कुछ देर के लिए आराम कर लो और जैसे ही फ्री हो जाओ मुझे कॉल करना। ठीक है मॉम, लव यू। क्या हुआ, रुक क्यों गए? क्या यार, अब क्या हुआ? इसका फ्यूल खत्म हो गया। क्या, हम इतनी दूर आ गए हैं और अब ये? हाँ, फंस गए। तुम कितनी अनलकी हो यार। क्या, मैं अनलकी कैसे? सारा बैड लक तो तुम ही लेकर आए हो। फोन खराब नहीं किया होता तो हम बच गए और वहाँ पार्टी कर रहे होते। अब ना तुम प्लीज चुप ही रहो। हाँ हाँ ठीक है, हम यहाँ नहीं रुक सकते। तो अब हम क्या करेंगे? हमें उस बोट पर जाना होगा। क्या, तैर कर उस बोट पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, डरो मत, पता है मुझे। रिलैक्स करो, मैं वहाँ तक तैरूंगा, तुम मुझे पकड़े रहना। मैं डूब गई तो? असले कुछ नहीं होगा। ठीक है, मुझे छोड़ना मत। पहले प्यार से कहो मुझे, फिर। क्या तुम इतने बुरे हो कि ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हो? वैसे तो मैं हूँ, पर आज जाने दो। चलो चलते हैं, आ जाओ। चलो। क्या इतना डांस काफी है? इतनी जल्दी थक गए तुम? अरे मैं तुम्हारी तरह जवान नहीं हूँ ना, इसलिए।
क्या मतलब है? तुम इतने भी बड़े नहीं हो मुझसे। चल मेरे बच्चे। ओह बरिस, कैसे हो तुम? सब ठीक, तुम सुनाओ। क्या कोइंसिडेंस है, मैं और मेरी दोस्त यहाँ पर वेकेशन के लिए आए हैं। एजे, बरिस। हेलो। हेलो। एडा, वॉल्कन को जानती हो ना? हाँ। ये उसकी बहन है। हेलो। हेलो, कैसी हो? चलो हम बाद में मिलते हैं, तुम एंजॉय करो। हमें ज्वाइन क्यों नहीं करती? ऑलराइट। क्या मुझे पूल बार वाले मिस आसले का कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? बिल्कुल मिस्टर वॉल्कन। अच्छा, बुराक का कॉल आया क्या? नहीं मिस्टर वॉल्कन, अभी तक तो नहीं आया है, मैं बाकी स्टाफ से पूछता हूँ। हाँ ठीक है, चेक करो। वो ऐसे तो कभी गायब नहीं होता, कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। सर मिस आसले का फोन नंबर? जिस व्यक्ति से बात करना चाह रहे हैं वो अभी। ये भी नॉट रीचेबल है। आखिर गए कहाँ ये दोनों? सर किसी की भी बात नहीं हुई बुराक सर से। तुरंत टीम को बुलाओ और होटल का हर एक कोना चेक करो। बिल्कुल सर, ठीक है। वॉल्कन, कुछ पता चला? नहीं सॉरी। वॉल्कन तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो बताओ। लेकिन चाला मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा भला। यहां तो कोई भी नहीं है। अरे यार, रेडियो भी बंद है, कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे हम किसी को। लगे रहा था, अब क्या करें? आई थिंक यहीं वेट करना चाहिए, बीच कुछ ज्यादा ही दूर है, हम तैर कर नहीं जा सकते। तो डूब मरो, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है ना? मुझे क्यों बोल रही हो? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम तैर नहीं सकती। हाँ हाँ, बार बार याद मत दिलाओ। डार्लिंग, सेल्डा का घर आ चुका है, प्लीज गाड़ी रोकने को कहो, मैं यहीं कहीं उतर जाती हूँ। तुम कितनी जिद्दी हो एलसी। फेर दी कार साइड में रोको। सिनान प्लीज गुस्सा मत करो, सीरियसली मैं अभी रेडी नहीं हूं। जब भी वक्त आएगा मुझे चारला को सब कुछ बताना है हमारे रिलेशन के बारे में। अगर उसे किसी और से पता चला तो उसका भरोसा उठ जाएगा मुझ पर से, फिर क्या? बात तो सही है, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये तुम्हारे बच्चों के लिए भी तो है, हम दोनों के बीच में जो कुछ भी है, बच्चे उन सबसे आगे हैं ना? ऑफ कोर्स, तुम बिल्कुल सही हो। देखो मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे पिता हो, और हमारे बच्चों की खुशियों के सामने हम तो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले वही। ऑलराइट, तुम्हारी बात सही है, हम ये बात फिर कभी नहीं दोहराएंगे। आई लव यू। ये क्या चल रहा है? इस्तांबुल कब गई थी? ग्रेजुएशन के बाद गई थी। कुछ तो करना पड़ेगा, पर क्या?
तुम दोनों को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ हमें भी। अभी क्या कर रही हो? कॉलेज लास्ट है और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है गुड। आउच। एडा तुम ठीक हो? पैर में चोट लग गई है। क्या हुआ पैर में चोट? हाँ शायद। अचानक कैसे हुआ ये? पता नहीं पर काफी दर्द हो रहा है। क्या तुम ठीक हो एडा? इस पे आइस लगाते हैं। ओके पर क्या हम कोई शांत जगह पर चले? हाँ डियर चलो। उफ मैं चल नहीं पा रही। कोई बात नहीं मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो एल्जिन कैसा रहा तुम्हारा सफर? बहुत बढ़िया सरदा तुम बताओ। बस मेरी और सिनान की मुलाकात बाहर गेट पर ही हो गई। आज तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं है सिनान? लास्ट मिनट कैंसिल हो गया। बच्चे बोर्डरूम में हैं और मैं घर अकेले नहीं जाना चाहता। ओहो सिनान तुम इतने इमोशनल कब से हो गए? पहले तो ऐसे नहीं थे। बुढ़ापे में ऐसा होता है। बुढ़ापा वो क्या है? किसने कहा ये बूढ़ा हो गया है? मेरे हिसाब से तो ये अभी भी जवान है। थैंक यू माय क्वीन। मैं झूठ नहीं कह रही सिनान, ये सच है। सिनान सिनान ही रहेगा। ये लो आ गए हम। अब आराम से यहाँ सोफे पर बैठो। ये आराम से धीरे 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 से। अब शूज निकाल देते हैं। धीरे धीरे आराम से। हाँ थोड़ा आराम से रखो। लगता है पेन चला गया तुम्हारा? हाँ नहीं नहीं दर्द तो हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। पक्का हम हॉस्पिटल चलें क्या? नहीं नहीं तुमने कहा था आइस लगाओगे। एक्सक्यूज मी सुनना। यस सर। एक बैग में थोड़ी सी आइस मिलेगी? इनके पैर में थोड़ी चोट लगी है। मैं अभी लाता हूँ सर। थैंक यू सो मच। मैं अंदर जाके चेक करता हूँ, हो सकता है हमें अंदर कुछ मिल जाए। यकीन नहीं हो रहा है कि मैं उस वोल्कन के साथ डेट पर होने की जगह इस इडियट के साथ इस बोट पर फंसी हूँ। असले बोलो। यहाँ अंदर आना जरा। हाँ आ रही हूँ। तुम्हें कपड़े चेंज करने हो तो यहाँ है। ओके। अरे तुम ये सब क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? क्या कर रहा हूँ मतलब क्या? ये गीले कपड़ों में थोड़ी ना रह सकता हूँ मैं। मैं तो कहता हूँ तुम भी चेंज कर लो वरना बीमार पड़ जाओगी। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या चाहिए तुम्हें? देखो अगर तुमने मुझे टच भी किया ना तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? पहली बात यू आर नॉट माई टाइप। समंदर तो क्या रेगिस्तान में भी तुम्हें टच करने की हिम्मत नहीं करूंगा मैं। दूसरी बात पता नहीं तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्योंकि मैं कोई पावर टाइप का नहीं हूं।
I'm sorry, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें कोई शर्म वरम है क्या नहीं? हाँ, okay, चिल्लाओ मत, मैं पानी पीने आया हूँ। तुम्हें चाहिए क्या? नहीं, thanks। ठीक है, घूरो मत ऐसे, जा रहा हूँ। मेरा सर। जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, तुम्हारी हेल्प की थी ना, उसी की सजा मिल रही है मुझे। क्या हम वहां पर चले? श्योर। हेलो हेलो हेलो, ये वाला कितने का है? 70 लीरा मैम। ओह, ज्यादा है। सिल्वर है मैम। फिर भी ज्यादा है, रहने दो। दे दीजिए। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, छोटा सा गिफ्ट तो है। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकती। प्लीज ले लो, हाथ दो। कितना सुंदर है। थैंक यू। ओ डार्लिंग, कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें कितना मिस किया। कैसी हो तुम? क्या? हाय, कैसी हो तुम? कितने दिनों बाद मिल रही हो। तुम्हें देखकर इतना अच्छा लग रहा है। गलतफहमी हुई है। उस औरत ने मेरा पर्स चुराया था। सच में? क्या? चोरनी कहीं की? चोरनी है तू? क्या बकवास कर रही हो? कौन हो तुम? तुझे चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? चोर कहीं की? होती कौन हो मुझे चोर कहने वाली? हाँ, तूने मेरे सारे पैसे चुरा लिए थे। कहाँ है मेरा वॉलेट? मेरे पास तेरा कोई वॉलेट नहीं, आखिर तू है कौन? इसे झूठ मत बोल। मैंने अभी अभी देखा तो इसका वॉलेट चुरा रही थी। तुम चेक करना। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं चुराया। मेरा वॉलेट यहाँ नहीं है। हाँ, देखो उसका वॉलेट नहीं है। तुम्हारा? हाँ, वो मेरा। इधर आ, इधर आ, चोर कहीं की? रुक, छोड़ो मुझे। चुप रहो, चुप रहो। सर, ये चोर है सर, इसने मेरी गर्लफ्रेंड का वॉलेट चुराया सर, और इनका भी। जान, और अब इसने मेरा भी पर्स चुराया है। फिर यहाँ पर छोड़ दो। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। जाने दो मुझे। आप भी पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट फाइल करके ही जाइएगा। सर, मैंने कुछ नहीं किया, जाने दो ना। क्या गौंजा? तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, पहले से अभी काफी बेटर है। हाँ, आइस लगा के रखते हैं। ओके, थैंक यू। एडा, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın, benim kalbim her şeye yeter.